हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस ऑर्गन का से नेक्स्ट एनालोगस ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं और करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, हमने पढ़े थे पहले होमोलोगस ऑर्गन्स, अब उसके रिवर्स में भी कह सकते हैं, उसके साथ के जो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि प्रूव कर रहे हैं जो इवोल्यूशन को। तो दूसरी जो कंसेप्ट है वो है एनालॉगस ऑर्गन्स। ऐसे कौन से ऑर्गन, मतलब हमें ऐसे क्या सिम्टम्स, हमें ऐसे क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं जो इवोल्यूशन को शो करते हैं कि ऐसा अगर हुआ तो ये सिर्फ इवोल्यूशन के थ्रू ही हो सकता है। अगर हम स्पेशल केस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो देखिए, एनालॉगस ऑर्गन्स को तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ध्यान से सुनो कि दीज आर दोज ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर्स क्या है, आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंट एट ओरिजिन। देखिए, दीज आर दोज ऑर्गन्स, दोज स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन, बट अपीयर सिमिलर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। देखिए, दोनों चीज़ डिफरेंट। वहाँ पे क्या था, ओरिजिन सेम था, जैसे ओरिजिन लगा सेम है, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस थे, वो अलग, मतलब वो अलग परफॉर्म कर रहे थे, मतलब अडप्शन अलग था उनका। यहाँ पे क्या है, देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, डिफरेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन वो भी डिफरेंट है, लेकिन परफॉर्म करते हुए सेम फंक्शंस। वहाँ पे क्या था, ओरिजिन सेम था, फंक्शन डिफरेंट था। यहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिनल जो ओरिजिन डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शंस क्या हैं वो सिमिलर हैं। होमोलोगस में क्या था, होमोलोगस था, ओरिजिन सेम था। तो उसी तरह ये रिलेशनशिप जो हैं, ये रिलेशनशिप क्या करते हैं, रिलेशनशिप जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स के हैं, किस वजह से हैं, ड्यू टू देयर सिमिलर फंक्शंस की वजह से। यहाँ पे फंक्शंस कार्ड एनालॉजी। वहाँ पे होमोलोगस में क्या था, अगर होमोलोगस की बात करें, वहाँ पे क्या था, ओरिजिन सेम था, यहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शंस क्या हैं, सिमिलर हैं। वो फंक्शंस भी डिफरेंट कर रहे थे, मान लो हाथ पांव, जिसे एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था, भी जो पंख वगैरह होते हैं इंसेक्ट्स के, वो विंग जो उड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन वही ऑर्गन्स वैसे के वैसे पेंटाडक्टल स्ट्रक्चर्स तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हैं, लेकिन वो सिर्फ फोर लिम्स हैं। तो फोर लिम का जबरदस्त एग्जांपल था। तो यहाँ पे क्या है, तो ये यहाँ पे फंक्शंस जो हैं वो सिमिलर हैं, वहाँ पे ओरिजिन सिमिलर था, यहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट है। वहाँ होमोलोगस में तो क्या था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, यहाँ पे कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्ट हुए हैं, एंड अडेप्टिव कन्वर्जेंस है एक टाइप से, ये मतलब कन्वर्ट हुए हैं ये इस तरफ, मतलब सिमिलर फंक्शन करने के लिए, ओरिजिन अलग है लेकिन सिमिलर फंक्शन करने के लिए डाइवर्जेंट होते, तो ये कन्वर्जेंट हुए हैं, वो डाइवर्जेंट। और इसी तरह स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इज ड्यू टू, इनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर सिमिलरिटी ड्यू टू अडेप्टेशन फार्मूलर्स, जो अडेप्टेशन जो है फॉर सिमिलर फंक्शंस रेदर देन कॉमन एंसेस्ट्री, उनका एंसेस्टर, देखिए पता है ना, एंसेस्टर जो है ना, ओरिजिन सेम नहीं है, लेकिन ये सिमिलर हो गए, क्यों, क्योंकि क्योंकि इनकी क्या हुआ, अडेप्टेशन किया उन्होंने, अडेप्शन आया है फॉर सिमिलर फंक्शंस के लिए, इन्होंने अडेप्ट कर लिया, लेकिन एंसेस्टर उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो ये कई बार पूछा जाता है, अभी
कॉमन एंसेस्टर्स कौन सी में होते हैं, इसमें क्वेश्चन से देखा ऐसे आते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स के लिए या तो आपको एग्जाम्पल दे दी पूछ लिया जाएगा, तीन या चार एग्जाम्पल दे देंगे और उसमें से फाइंड आउट विच वन इज द होमोलोगस ऑर्गन। और क्वेश्चन में भी आस्ड आस्ड लाइक ओरिजिन ऑफ एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड ओरिजिन, जो ओरिजिन प्रोसेस है एंड स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होती है, तो उनको क्या कहते हैं। तो कई बार स्ट्रक्चर फंक्शंस का दे देंगे तो वो आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो उसी तरह जो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं पूछ लेंगे, नहीं होते पूछ लेंगे, तो ये चीज़ आपको दे कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट और डाइकन्वर्जेंट पूछ लेंगे आपसे, कि ये चार पांच तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम इस पर, हम हमारे इस एग्जांपल्स के एनालॉगस जो ऑर्गन्स हैं, तो हमने ऑर्गन्स पढ़ लिए, सिमिलर फंक्शंस है, ओरिजिन सेम नहीं है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ओरिजिन है। तो इन जैसे इंसेक्ट और बर्ड्स के विंग हैं, दीज आर डिफरेंट इन बेसिक, अगर बेसिक्स की बात करें और ओरिजिन की बात करें तो अलग अलग हैं। जैसे इंसेक्ट्स की विंग्स होते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट से बनते हैं वो, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट के फॉर्म जो विंग्स है वो कहाँ से बनते हैं, इंटेग्यूमेंट से वहीं पे, और उनके अंदर बोन नहीं होता। जबकि बर्ड्स जो होते हैं वो आपको पहले वाले होमोलोगस में बताया कि जो बर्ड्स के बोन होते हैं वो क्या होते हैं, फोर लिम्स होते हैं। होमोलोजी क्या था ह्यूमन के अंदर, बर्ड्स के अंदर, देखिए वो उड़ने के विंग्स हैं, वो फ्लाई करने के काम आते हैं, फ्लाइट, और जबकि ह्यूमन विंग और चलो नेक्स्ट, अगर ये चैप्टर देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक तो एग्जांपल इंसेक्ट और बर्ड्स के विंग्स आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, नीट में हो गया, एग्रीकल्चर के एग्जाम में हो गया, या फिर IRI का जो एग्ज़ाम होता है, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, या फिर वेटरनरी का एग्जाम होता है, VLDA का होता है, तो बहुत बहुत पूछा जाता है। इनके जनरल जो स्कूल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी पूछते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं, जो बर्ड्स के विंग्स हैं वो मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं, जबकि इंसेक्ट्स के होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट से बने होते हैं, इनके अंदर बोन नहीं होती, जबकि इनके अंदर सारी बोन होती है, आपको पता पेंटाडक्टाइल होती है, ह्यूमरस होता है इसके अंदर, एलना होता है, ट्यूबुला, फिर सब कुछ फ्लैंजेस होते हैं, और इसी तरह लिम्स होते हैं वो, और बट एनालॉगस, ये एनालॉगस क्यों हैं, क्यों हैं, जो ओरिजिन्स एज वेल एज बोथ फ्लैट स्ट्रक्चर्स अडेप्टेड फॉर फ्लाइट, तो उनके अंदर फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती है, फ्लाइट के लिए अडेप्टेड एनालॉगस हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों स्ट्रक्चर्स फ्लैट है, दोनों की सिमिलरिटी स्ट्रक्चर में आ गई, और फ्लाइट का काम कर रहे हैं दोनों, उनके अंदर भी उड़ने का काम होता है और यहाँ पे भी उड़ने का काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट इसका कोई एग्जाम्पल और देखते हैं। अब ये इंसेक्ट्स वाला, इंसेक्ट्स बर्ड्स के अंदर देख लिया आप, ये जो होते हैं, अब यहाँ पे अगर हम इंसेक्ट की बात करें, ये इंसेक्ट का है, ये बर्ड्स का है, तो आपको पता है यहाँ पे ह्यूमरस है, अलना है, यहाँ पे जो रेडियस है, मेटाकार्पल्स हैं, कार्पल्स हैं, फ्लैंजेज हैं, ये फीदर है। उसी तरह अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो ये फोर विंग्स होते हैं, तो ये सिर्फ क्या काम करते हैं, ये सिर्फ उड़ने का काम में हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स का, जो दो नंबर एग्जांपल है वो क्या है, ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का ट्रैकिया एंड ट्रैकिया ऑफ वर्टिब्रेट्स का, ये दोनों जो है, देखिए अडेप्टेशन दोनों के अंदर आई हुई है, क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। जब क्रोच की बात करते हैं, यहाँ एक ट्यूब होती है जो कि ओरिजिनेट, जो ओरिजिनल ओरिजिनेट होती है एक्टोडर्म से, जिसको स्पायर रकल्स भी बोलते हैं, स्टिग्मेटम भी बोलते हैं। जबकि इसी केस में अगर बात करें, जो ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर की बात करें,
वो क्या होता है, वो अलग होता है। इसमें ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्रैकिया होते हैं, फिर प्राइमरी ब्रांकिया ब्रोंकिया, फिर सेकेंडरी ब्रोंकिया, टर्सरी ब्रोंकिया, उसके बाद एल्विओलाई बन जाती हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, एक नली ट्यूब होती है जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे जाके ऐसे वो सिर्फ काम क्या करते हैं, सांस लेने का। यहाँ पे भी काम सांस लेंगे, लेकिन जब ये दोनों के फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। फंक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे, ये अडेप्टेड हैं। लेकिन बात क्या थी उसमें, ओरिजिन, ओरिजिन जो थी और स्ट्रक्चर क्या थी, वो डिफरेंट थी। स्ट्रक्चर देखो, इनकी स्ट्रक्चर अलग है, ट्रैकिया की स्ट्रक्चर अलग है, उसकी स्ट्रक्चर अलग थी। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ओरिजिन भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम अलग है, फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिन जैसे ये एक्टोडर्म से बना हुआ है, जबकि अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है इसकी बात करें, तो ये जो है ट्रैकिया जो होते हैं वो एक्टोडर्म से आते हैं, लेकिन जो लंग्स जो आते हैं वो एंडोडर्म से, ओरिजिन इनका। इसीलिए क्या होगी, अलग होगी, ओरिजिन इनका सेम नहीं है, ओरिजिन इज़ डिफरेंट। तो ये क्या बोला जाएगा, इसको एनालॉगस बोला जाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं टथ, जो टिथ जो होते हैं, मोलर्स ऑफ मैन एंड मैंडिबल इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर मैंडिबल और मैन के अंदर टीथ, जो मोलर टीथ, दोनों का काम देखें तो सिमिलर है, काम देखें तो सिमिलर है, क्योंकि दोनों चेविंग का काम करते हैं। भाई हमारा जो दांत है, दाढ़ है जो, वो क्या काम करती है, वो चबाने का काम करती है, वहाँ पे भी चबाने का काम जो एंडिबल है। लेकिन दोनों की ओरिजिन की बात करें, दोनों की ओरिजिन की बात करें, तो जो मैंडिबल टोटली एक्टोडर्मल है, जबकि टूथ जो होते हैं वो मेटाडर्मल है, वो टूथ जो है वो एक्टोडर्मल है, लेकिन जो एनिमल पार्ट होता है, जो हार्ड कोट पार्ट होता है, वो इसका क्या है, एक्टोडर्मल है। लेकिन जो डेंटाइन जो भाग होता है, डेंटाइन, वो इसका क्या होता है, मीजोडर्मल होता है। तो पार्शियलिटी होगी इसके अंदर। इसी तरह मतलब जिनका फंक्शन सेम है, डिफरेंट क्या है, ओरिजिन है। तो ये एनालॉगस के अंदर आ गया। उसी तरह इसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं फिन्स ऑफ फिशेज एंड फ्लिपर ऑफ वेल एंड सील्स के। जो फ्लिपर होते हैं बहुत आर फ्लैट होते हैं और हेल्प करते हैं स्विमिंग में। सिमिलरिटी आएगी, फ्लैट होते हैं और काम में भी फंक्शन में भी सिमिलरिटी है, लेकिन फिन्स आर नॉट पेंटाडक्टाइल। फ्लैपर क्या होते हैं, पेंटाडक्टाइल होते हैं। फिन्स के अंदर क्या नहीं होता, स्केलेटन नहीं होता, जबकि जो फ्लैपर्स होते हैं उनके अंदर बोन होता है, स्केलेटन जो होता है बोन होता है। तो दोनों के अंदर क्या, ओरिजिन का ओरिजिन वाली चीज़ होगी वो अलग होगी, लेकिन फंक्शन क्या करते हैं, वो सेम करते हैं स्विमिंग का। अगर जो बोलते हैं फिन्स, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, फिन ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, जो हनी बी होती है इसका जो जो उसका होता है स्टिंग होता है, फिन एक मतलब आप कह सकते हो स्टिंग, जो उसकी जो जिससे वो कांटा मारती है, वो जो है जो फिश है यहाँ पे हनी बी, जो हनी बी और स्कॉर्पियो, आपको हनी बी का बताइए जो वो कांटा मारती है, और जो स्कॉर्पियो आपको बता जब बिच्छू, तो इसमें क्या होता है, द स्टिंग ऑफ हनी बी इज मोडिफाइड इट्स ओवी पोजिटर, जहाँ पे वो ओवी पोजिटर जो होता है उसका, जहाँ पे ओ वगैरह रहते हैं उनको क्या करता है, उससे वो मोडिफाइड किया हुआ उसने। लेकिन स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियन जो है, उसका मोडिफाइड जो है एब्डोमिन सेगमेंट का मोडिफिकेशन। देखिए दोनों को काम क्या करते हैं, वो चुभने का काम करते हैं, अपना जहर छोड़ते हैं,
मतलब अपने आप को बचाव का सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका ओरिजिन डेवलपमेंट क्या है अलग है। तो आप याद रख सकते हैं, जो अब याद रखने के लिए आप जो फिन्स ऑफ फिशेज का हो गया, उसका कॉन्ट्राडिक्ट फ्लैपर ऑफ व्हेल्स एंड सील्स, अब फिन जो स्टिंग ऑफ किसका हनी बी एंड स्कॉर्पियो, दूसरे इसे अगर पीछे चलें तो आप देखोगे ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स का, टीथ जो ऑफ मैन, मैंडिबल ऑफ कॉकरोच। उसी के साथ साथ जो बेस्ट एग्जांपल है वो इंसेक्ट जो आपके एनसीईआरटी में भी है, इंसेक्ट एंड बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं वो, ये क्या होते हैं, काम एक को करते हैं उड़ने का, लेकिन उनका ओरिजिन देखें तो दोनों का अलग अलग है, क्योंकि उनके अंदर वो सिर्फ एक एंटीगुमेंट से जनरेट होते हैं, एंटीगुमेंट से मॉडिफाइड होते हैं, फॉर्म करते हैं वो, जबकि जो मॉडिफाइड बोन है, फोर लिम्ब्स हैं, वो है इंसेक्ट के अंदर, नहीं है ये बर्ड्स के अंदर। और आपको डेफिनेशन जैसे बताया दिया था पहले कि जो ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट ओरिजिन्स भी होता है, लेकिन अपीयर क्या करते हैं, वो दिखते कैसे हैं, सिमिलर परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शन देखने में और फंक्शन में सेम लगते हैं, लेकिन डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर जो है एसओ डिफरेंट एसओ डी, जबकि अपीयरनेस एंड परफॉर्मेंस सिमिलर, APS सिमिलर है उनका, अपीयरनेस और परफॉर्मेंस सिमिलर है, फंक्शन सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर जो है उनका डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एनिमल्स के अंदर होती हैं, प्लांट का भी केस है जिसके अंदर हम देखते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें, लीफ ऑफ प्लांट, अगर लीफ ऑफ प्लांट की बात करें, क्लैड ऑफ रस्कस की बात करें, एनालॉगस हैं ऑर्गन्स दोनों, क्या कहें, लुक लाइक एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो लुक लाइक भी है और फंक्शन भी, अभी आपको बताया था, जिनका अपीयरनेस एंड फंक्शन सेम है, लेकिन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है स्ट्रक्चरल वो अलग अलग है, लेकिन बट डिफरेंट इन ओरिजिन, ओरिजिन में क्या है, ये डिफरेंट है। एनालॉग्स क्यों हैं, बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज ड्यू टू सिमिलर अडेप्टेशन की वजह से, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरल जो है उनका सिमिलर है अडेप्टेशन की वजह से, टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस रैदर देन देयर कॉमन एंसेस्ट्री, उनका एंसेस्टर से लेना देना नहीं है, ओरिजिन से लेना देना, मतलब जिनका ओरिजिन अलग है और फंक्शंस परफॉर्म सिमिलर करते हैं और स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है उनके अंदर, तो वो आप ये लीफ का जो, मतलब ये सारे लीफ होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लैड का भी ये ऐसे ही काम है, लेकिन ओरिजिन से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल की बात करें वो भी अलग होता है, देखने में अपीयरनेस सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर जो वो अलग होता है, ओरिजिन डिवलप है, बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन इज डिफरेंट, अपीयरनेस एंड फंक्शन इज सेम, ठीक है। स्टूडेंट बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको